प्रदेश में दो सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनावों की तैयारियों में जुटी भाजपा इस बार प्रत्याशी चयन में सहानुभूति का कार्ड खेल सकती है। हालांकि दरियाबाद और वल्लभ नगर सीट पर भाजपा के लिए दावेदारों की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन स्थानीय फीडबैक के आधार पर दोनों ही सीटों पर 2 से 3 प्रमुख दावेदार सामने आए हैं। दरियाबाद में भाजपा सहानुभूति कार्ड खेल सकती है। दरअसल दरियाबाद सीट पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा के कब्जे में थी, यहां से बीजेपी के गौतम लाल मीणा चुनाव जीतकर विधायक बने थे, लेकिन पिछले दिनों उनके स्वर्गवास के बाद यह सीट खाली हुई। अब उपचुनाव में सीट पर टिकट के लिए भाजपा के कई दावेदार सामने आए हैं, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख दिवंगत विधायक गौतम लाल मीणा के पुत्र कन्हैया लाल मीणा का भी नाम है। कन्हैया मीणा पूर्व में प्रधान भी रह चुके हैं, वहीं वर्तमान में इनकी पत्नी प्रधान है। पार्टी के स्तर पर कन्हैया मीणा के नाम पर चर्चा है। संवता राजसमंद उपचुनाव की तरह पार्टी यहां भी दिवंगत विधायक को परिजन को टिकट देकर सहानुभूति कार्ड खेल सकती है। इसके अलावा पूर्व सरपंच और भाजपा एसटी मोर्चा के मौजूदा जिला अध्यक्ष खेत सिंह का नाम भी यहां प्रमुख दावेदारों में शामिल है। इस सीट से भाजपा नेता दवेंद्र मीणा का नाम भी प्रमुख दावेदारों में शामिल है। दवेंद्र मीणा उदयपुर के पूर्व जिला प्रमुख वंदना मीणा के परिवार से है। बात करें वल्लभ नगर विधानसभा सीट की तो यहां कांग्रेस बीजेपी और जनता सेना के बीच ट्रायंगल मुकाबला रहता है। भाजपा के टिकट के प्रमुख दावेदारों के पूर्व प्रत्याशी रहे उदयलाल डांगी का नाम प्रमुखता से चल रहा है। उदयलाल डांगी पिछले विधानसभा चुनावों में 3री पोजीशन पर रहे थे। इसी तरह उदयपुर में भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष रहे आकाश वागरेचा और बीजेपी किसान मोर्चा उदयपुर देहात के पूर्व जिला अध्यक्ष धनराज सिंह अहिर का नाम भी सीट पर प्रमुख दावेदारों में शामिल है। हालांकि पूर्व विधायक रणधीर सिंह भिंडर की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे से पिछले दिनों हुई मुलाकात के बाद ये भी संभावना बनी कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया व उनकी पुरानी अदावत के चलते इसकी संभावना कम ही है। हम आपको बता दें इससे पहले प्रदेश में सुजानगढ़ साड़ा और राजसमंद सीट पर उपचुनाव हुए थे। इन सीटों पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने सहानुभूति कार्ड खेलते हुए दिवंगत विधायकों के परिजनों को ही टिकट दिया और जीत भी उन्हें ही मिली थी। राजसमंद सीट पर भाजपा के दिवंगत विधायक किरण माहेश्वरी की पुत्री दीप्ति माहेश्वरी, साड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के दिवंगत विधायक कैलाश चंद्र त्रिवेदी की पत्नी गायत्री त्रिवेदी और सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर दिवंगत कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री भंवरलाल मेघवाल के पुत्र मनोज मेघवाल ने जीत का परचम लहराया था। इससे माना जा रहा है कि दरियाबाद और वल्लभ नगर सीट पर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां सहानुभूति कार्ड खेलते हुए दिवंगत विधायक के परिजनों को ही अपना प्रत्याशी बना सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीपीके न्यूज, जयपुर।